वेलकम टू सावज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चंडीगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 नोटिफिकेशन रिलीज हुई थी, अगर आपको याद होगा 293 परमानेंट पोस्ट हैं, इसमें ऑल स्टेट कैंडिडेट अलाउड हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट पर अपडेट आई हुई है तो वो चेक कर लेते हैं। पब्लिक नोटिस फॉर पोस्ट जूनियर बेसिक टीचर JBTs न्यू, तो इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं तो उनके लिए पूरी डिटेल हम कवर कर देंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कहाँ से कर सकेंगे, कौन सी वेबसाइट है और फिलहाल क्या अपडेट आई हुई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब से शुरू होने वाली है, पोर्टल कब से जारी होने वाली है। तो आगे बढ़ते डिटेल्स के लिए, पहले तो आपको याद दिला दूं कि ये वैकेंसी जो है कौन सी है, 30 जून की डेट से आई हुई थी और एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से ये नोटिफिकेशन आई थी, जिसमें लिखा तो था कि 28 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन 20 जुलाई के बाद फिर से एक अपडेट आई थी जिसमें लिखा था कि 8 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे। 8 अगस्त को भी पोर्टल ओपन नहीं हुई। आपको ध्यान होगा बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन करें। इसकी जो क्वालिफिकेशन, ये 293 पोस्ट हैं और इसमें जो पोस्ट की डिटेल वगैरह के लिए मैंने कई बार वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया वगैरह क्या चाहिए। ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं किसी भी परसेंटेज के साथ, अगर DLED है 2 साल वाला, या फिर ग्रेजुएट 50% या अबव मार्क्स के साथ, BEd के साथ और CTET पेपर 1 के साथ अप्लाई ऑल इंडिया से कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल कवर कर दी थी। अभी चलिए देख लेते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस तरीके से नज़र आ रहा है। अब इसी वेबसाइट पर आपको एक लिंक नज़र आएगी और उस पर क्या मेंशन किया हुआ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो डेली सर्कुलर्स में ही आया हुआ पब्लिक नोटिस फॉर द पोस्ट बेसिक जूनियर टीचर JBTs, इस पर एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ेगा और इसमें क्या लिखा है। फिलहाल जैसे मैंने आपको बताया 20 जुलाई को नई शुरू हुए, नई डेट आई थी 8 अगस्त, 8 अगस्त को भी शुरू नहीं हुए ऑनलाइन एप्लीकेशन, फिर उसको हटाया गया और फिर लिखा था कि 29 अगस्त को, 29 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होंगे, फिर उसको भी रिमूव कर दिया और अभी फिलहाल जो लिखा है लिंक फॉर इन्विटेशन ऑफ एप्लीकेशन विल लाइव शॉर्टली, मतलब विल बी लाइव शॉर्टली, मतलब जल्दी ही आने वाले, पोर्टल जल्दी ही ओपन होने वाले हैं। अब जल्दी मतलब क्या, जल्दी कितनी जल्दी ये पता नहीं, तो इसका मतलब कि जल्दी ही ओपन होने वाले, मतलब आपको इस पर ध्यान रखना होगा। या जैसे ही लिंक ओपन हो जाती है तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर फिर से अपडेट दे देती हूँ कि हाँ ठीक है, लिंक अब जारी हो गई है, ऑनलाइन एप्लीकेशन अब आप कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है एक 8 अगस्त की डेट थी उस पर नहीं शुरू हुए, 20 जुलाई को तो पहले ही नहीं हुए, वो तो खत्म ही हो गया डेट, 8 अगस्त को नहीं, एक नई डेट दी गई थी 29 अगस्त, बट उसको भी रिमूव कर दिया वेबसाइट से, 29 अगस्त की डेट को भी रिमूव कर दिया। तो अब यहाँ पे लिखा है कि जल्दी होने वाले हैं, तो देखते हैं कब तक होता है, जब भी होंगे तो आपको एक वीडियो बनाकर फिर से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक अगर आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसी में आप डेली सर्कुलर पर ध्यान रखें, डेली सर्कुलर या रिक्रूटमेंट सेक्शन पर ध्यान रखें, तो आपको इसमें क्विक लिंक्स पर भी ध्यान रखना है। यहाँ पर देखें तो आपको इसमें से ही कहीं पर जैसे ही लिंक आएगी तो अपडेट मिल जाएगी, और नहीं तो आप मेरे वीडियोस देखते रहें, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे मैं वीडियोस बना के एक या दो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी।